एक ही बटन दबाना बस, इतना आसान था काम है। इसकी मेन मशीन की खास बात यही है हाँ। तभी इसको कोई भी कर सकता है हाँ। सिर्फ एक इतना आसान था ये काम। ओके 9,950 या मैक्सिमम रॉ मटेरियल के साथ 10,000 रुपए में भाई कहीं पे भी बैठ के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इनकम इतनी है भाई कि एक एक पीस पे ना, एक एक पीस को बनाने में 400-500 रुपए का प्रॉफिट निकल करके आता है। सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब लोग ढूंढते थक जाते हैं और इसकी डिमांड खत्म भी नहीं होने में आती हाँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को रखोगे ना तो स्पेशली लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर ये प्रोडक्ट को ढूंढने जाते हैं, उनको मिलता नहीं है। छोटी छोटी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी में हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। घर पे बैठी महिलाएं हैं वो कर सकती हैं, या कोई यंगस्टर बच्चे हैं वो कर सकते हैं, कोई भी ये काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब कुछ पूरी इंक्लूड करके 25 रुपए में आपकी रेडी हो जाती है। ए टू जेड सारी ये इंक हो गई है हाँ। हैंडल हो गए, फोम हो गई, ट्रेसिंग पेपर ओएचपी हो गई, सारा सब मिल जाएगा हमारे पास। दोस्तों नमस्कार, युवा बिजनेस आइडियाज के एक और नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जो है ना ये कुछ ऐसे आइटम बना के दिखाऊंगा जिनसे आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट, बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हो। मेरे हाथ में जो आप ये फैंसी चीजें देख रहे हो ना, ये सारा बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाना है, और ये कहाँ पे बेचना है वो भी सिखाऊंगा। बड़े फैंसी आइटम है भाई, इनकी डिमांड बहुत है मार्केट में। आप इनको कहीं पे भी स्टेशनरी पे, किसी कोर्ट कचहरी के पास में आपने देखा होगा कितनी भीड़ रहती है। पब्लिक डीलिंग का कितना काम है, दिन भर में एक कोर्ट पे कम से कम 50,000-1,00,000 लोग एक दिन में विजिट करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं, ऑफिस के बाहर आप इस प्रोडक्ट को बना करके बेच सकते हो। ये बनाना कैसे है, कितने रुपए में बन के तैयार होगी, कहाँ कहाँ आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज आज हम इसमें सीखने वाले हैं। मेरे सामने ना अभी ये देखो, ये तीन मॉडल है, इनसे आप अगर पहचान सकते हो तो भाई पहचान लो, ये तीन मॉडल है ठीक है। एक मॉडल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये मॉडल हो गया। तीनों की कॉस्ट अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग आपकी स्टार्टिंग समझो कि 9,950 या मैक्सिमम रॉ मटेरियल के साथ 10,000 रुपए में भाई कहीं पे भी बैठ के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी सारी वीडियोस जो जितनी भी रहती है ना भाई, उसमें फेक नाम की कोई चीज़ नहीं, मतलब जो बता रहा हूँ ना वो जेन्युइन आपको मिलेगा। इनकम इतनी है भाई कि एक एक पीस पे ना, एक एक पीस को बनाने में 400-500 रुपए का प्रॉफिट निकल करके आता है। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाके चेक करना भाई, और मार्केट में भी आप चेक करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बिजनेस है कितना दमदार। और सबसे अच्छी बात है कि इसको करने के लिए जो लोग कम पढ़े लिखे हैं ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा उनको ये टेंशन रहती है, यार हमने तो कुछ सीखा ही नहीं, हम तो ज़्यादा कुछ पढ़े ही नहीं, भाई हम कैसे करें। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मुकेश भाई हमने इतना पढ़ा लिखा ही नहीं करिए तो क्या बिजनेस करें। भाई आपके लिए ना राइट बिजनेस है। तो अभी भाई आगे चीजें, बहुत सारी चीजें समझने के लिए मेरे साथ में अभी पार्थ भाई रहेंगे। प्लीज भाई आप आइए, आपका वेलकम कर लेते हैं भाई एक बार। बड़े छोटी सी एज में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं भाई। दिल्ली के अंदर है इनका जो वेयर हाउस है, बहुत सारी मशीन ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, मतलब इतनी छोटी एज में इतना बढ़िया काम करने लग रहे हो। एक चीज ये बता दो, आज तक जितनी भी मशीन आपने बेची है उसमें एक्चुअल में कितना लोग कमा पा रहे हैं? सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मतलब लोग ढूंढते थक जाते हैं और इसकी डिमांड खत्म भी नहीं होने में आती हाँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को रखोगे ना तो स्पेशली लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर ये प्रोडक्ट को ढूंढने जाते हैं, उनको मिलता नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट है हर एडवोकेट के पास, हर सीए के पास, हर लॉयर के पास, किसी बड़ी कंपनी में, छोटी प्रोप्राइटर फर्म है, छोटी छोटी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी कंपनी में हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। तो कोई इसको चलाने के लिए कोई ज्यादा बड़ा खर्चा वर्चे तो नहीं आने वाला? नहीं, एक तो ये सबसे बड़ी बात, पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, प्रिंटर्स कंपनी का प्रोडक्ट है, और ना कोई इसके अंदर ना कोई ज्यादा लागत आती है हाँ। कोई बंदा छोटी सी जगह पे, कोई बंदा 10x10 का कोई कमरा है या कोई भी छोटी सी जगह है हाँ। वो वहां से शुरू कर सकता है, और ना ही इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की कोई ज्यादा ऐसी जरूरत है। कोई अनपढ़ बंदा भी इसको, या जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, वो भी बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे घर पे बैठी महिलाएं हैं वो कर सकती हैं, या कोई यंगस्टर बच्चे हैं वो कर सकते हैं, कोई भी ये काम कर सकता है। अच्छा एक चीज मेरे माइंड में हो रहा है सर, जैसे मेंटेनेंस वगैरह तो कुछ ज्यादा नहीं रहेगा? 1 साल की पूरी मशीन की गारंटी रहती है कि अगर हाँ। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो कंपनी सीधा रिप्लेस करके देती है। अभी सर मैं ये जो चीजें मैंने दिखाई थी ये थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बता दीजिए, मैं भी पूछना चाहता हूँ ये है क्या चीज। सर बेसिकली अब हम इसके बारे में बात करना चाहे तो ये स्टैम्प मेकिंग का बिजनेस है। ये स्टैम्प्स हैं ये सारी। अच्छा कि स्टैम्प्स कैसे बनती हैं? तो ये स्टैम्प जो है ये लगभग आपकी पूरी 25 रुपए में रेडी हो जाती है, विद फ्रेम। विद फ्रेम हो गया ये, और इसमें ये हैंडल हो गई, ये आपकी इसकी फोम है, ये फोम
हैंडल, इंक और ये सारी सब कुछ मिला के 25 रुपए में, और उसमें उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब कुछ पूरी इंक्लूड करके 25 रुपए में आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, मैं अपना बता देता हूँ भाई, अपना एक्सपीरियंस, ये खुद मैंने ऐसी ऐसी स्टैंप, छोटी वाली स्टैंप है ये, 150 रुपए की ली हुई है, ये बनाने में कितना खर्चा आएगा? 25 रुपए में पूरी रेडी। और जो इससे एक थोड़ी सी बड़ी होती है उसमें भी 25 ही आता है सर, लगभग 25-30 मान लो उसको। दिखाना भाई एक वो बड़ी वाली स्टैंप मैं दिखा दूं, जो मैंने खुद मैंने ऑब्जर्व करा ना, देखो ऐसी वाली स्टैंप मैंने 300 रुपए की खरीदी हुई है और इसको बनाने में भी 25 से 30 रुपए में। तो भाई आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा प्रॉफिट इसमें आपको देखने को मिलेगा, और बनाना आसान है या नहीं वो थोड़ा मेरे को समझा दो। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी ये मशीन की डेमो की तरफ। सबसे पहले आपने ये लॉक खोल के, हाँ जी, ये हमारा बटर पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है। okay. आपने बोर्ड ये तो देखा होगा कि किसी कंपनी की स्टैम्प बनती है या कोई और मैटर की स्टैम्प। आज हम दिखाएंगे आपको किसी फोटो की या किसी लोगो की कैसे स्टैम्प बनती है। हाँ जी, ये आपने सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर रखा, ठीक है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट OHP, ओके, और उसके बाद एक ये फोम शीट, ठीक है सर, बस इतना सा ये काम करना है आपने, और इसको लॉक कर देना है। एक ये लॉक करा, हाँ। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट आ जाएगी, ठीक है, एक ये बटन दबाना है आपने, और कितने बटन दबाने हैं? एक ही बटन दबाना है बस, इतना आसान सा काम है। इसकी मेन मशीन की खास बात यही है, हाँ। तभी इसको कोई भी कर सकता है, हाँ। सिर्फ एक इतना आसान सा ये काम, ओके। और ये देखिए ये हमारी कमाल गजब यार, ये देखो कितनी मतलब जबरदस्त एम्बोजिंग हुई है इस पे, देखिए अभी। फिर इसमें सर, इसके बाद में फिर इसमें करना क्या, हमने इंक डालना इसके बाद, हाँ, कोई भी एक छोटे से कंटेनर के अंदर, हाँ, इसको उसके अंदर इंक लेके, हाँ, ये इंक है, इंक, ओके, इंक को लेके इसके बाद उसको डिप करके रख दो आप, हाँ, कितनी देर सर? 15 से 20 मिनट काफी है अपना, काफी है, सही है, आधा घंटा भी रख दो उसके, हाँ, बाद आधा घंटा बाद निकाल के, हाँ जी, ये सेम हैंडल के ऊपर लग जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा रेडी इम्प्रेशन भी है, ये हमने एक आपके लिए स्टैम्प रेडी कर रखी हुई है, यही सेम स्टैम्प एक बार देख लेते हैं। फिनिशिंग देखिए स्टैम्प की, मतलब इतनी गजब की जो फिनिशिंग ये देती है मशीन। और ये मशीन वैसे सर है कितने की है, मतलब इतना गजब सा जो परफॉर्मेंस दे रही है, इतने की मशीन ये आ जाती है? ये वाला जो मॉडल जिस पे अभी हमने डेमो करके दिखाया, हाँ, ये 10,500 का है, 10,500 का बस, हाँ जी, इंक्लूसिव ऑफ GST वगैरह वो सब जोड़ जाड़ के, या थोड़ा सा वो रहेगा एक्स्ट्रा GST पे, 18% GST अलग है, हाँ। और अच्छा, फिर ये बीच वाला मॉडल के बारे में, उसके बाद ये वाला जो मॉडल है ये ऑल इन वन मॉडल है, हाँ। इसके अंदर आपने जैसे देखा होगा ये तो प्री इंक और सन स्टैम्प की जो है, हाँ जी, ये प्री इंक है और ये सन स्टैम्प है, हाँ। इसके अलावा आपने देखा होगा पॉलीमर स्टैम्प जो आती है, हाँ जी, रबड़ वाली जो स्टैम्प, हाँ, होती है, इसके अंदर वो भी बन जाती है। तो इसके अंदर सारे टाइप के जो ऐसे वाली आपने जो देखी होगी वो रबड़ स्टैम्प, पहले आज पहले ज्यादा बनती थी, थोड़ा कम हो गई, अब थोड़ी कम चलती है, लेकिन फिर भी जिसको रिक्वायरमेंट हो तो इनकी भी मशीन होती है हमारे पास, ठीक है। अलग से इसकी मशीन चाहिए तो 4,500 से शुरू होती है, बाकी ये ऑल इन वन मॉडल है, हाँ। इसके अंदर भारत की कोई भी मोहर रेडी हो जाएगी, सही है। ये वाला जो मॉडल है ये 19,000 का है बस, हाँ जी, बस इतना सही है। और ये जो छोटे वाला मॉडल है, उसके बाद ये वाला जो मॉडल है ये हमारा इकोनॉमी मॉडल है, हाँ। किसी को जैसे अगर कम पूंजी में शुरू करना चाहो तो ये बस खाली 8,500 का मॉडल है। बहुत बढ़िया पार्थ भाई, बहुत अच्छा है। अभी फिर मैं कुछ और चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें जो बिजली का कुछ खर्च है वो कितना खर्च रहता है? ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है तो बस खाली 100 वॉट लेती है पूरे दिन की। पूरे दिन में, हाँ जी, वो तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज और, जैसे मुझे थोड़ा सा ये बड़ी अट्रैक्टिव चीज लगी थी, समझने में भी टाइम लगा कि ये है क्या चीज, इसको भी करके देख सकते हैं क्या? हाँ, मैं इसका भी आपको दिखाता हूँ। ये भी हमारे पास ये रबर स्टैम्प या पॉलीमर स्टैम्प है, ये भी रेडी है, ओके। और ये वाला जो काम होगा इसका मतलब ये आपकी इस मशीन से होगा, इस वाली मशीन में भी हो जाएगा, और अगर कोई खाली पॉलीमर स्टैम्प वाली लेना चाहे तो उसके अंदर भी हो जाएगा। हाँ, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि ये वाला जो काम देख रहे हो आप ये इस वाली मशीन में होगा, इस वाली मशीन में, ऑल इन वन में तो भारत की कोई भी मोहर रेडी हो जाएगी, हाँ। और बाकी अगर कोई खाली पॉलीमर मशीन भी लेना चाहे तो उसकी 4,500 से रेंज शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, हाँ जी। अच्छा सर, बाकी ये जो इंक वगैरह सब आप रखते हो? A to Z सारी ये इंक हो गई है, हैंडल हो गए, फोम हो गई, ट्रेसिंग पेपर OHP हो गई, सारा सब मिल जाएगा हमारे पास। अब एक चीज और बता दो सर, ये स्टैम्प को बनाने में मतलब ये जो आप कच्चा माल जो प्रोवाइड करोगे, हाँ, ये कितने का पड़ेगा सर? ये जो आप हैंडल की आप बात कर रहे हो, हाँ, ये 11 रुपए का हैंडल है बस, ये ठीक है। इसके अंदर ये जो हमने जो फोम जिसके ऊपर हमने स्टैम्प रेडी करी है 10 रुपए की फोम है, 21 रुपए हो गया, 21 रुपए। उसके बाद अगर आप शाही की बात करो तो लगभग 2 रुपए के आसपास की इंक लगा दी जाती है, 23 बनता है, फिर भी हम 25 बता के चलते 25 रुपए में ये पूरी स्टैम्प रेडी हो जाती है, ठीक है। और जिसको आप मार्केट में कितने की दे सकते हो बता भी दो। ये आगे मार्केट में 250 से 300 रुपए की एक एक स्टैम्प बिकती है, आप अमेजोन पे चेक भी कर सकते हो, 300 रुपए की वहाँ पे ये स्टैम्प बिकती है। और सबसे अच्छी खूबी है भाई, पढ़ने लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ना पढ़े हो ना तो उदास ना होना यार, काम बहुत है दुनिया भर में करने वाला चाहिए। अभी कुछ और मॉडल्स भी पार्ट भाई थोड़ा सा दिखा दो यार, इसके अलावा ये स्टैम्प की हमारी वैरायटी है, हाँ। ये जितने भी आप देखो, ये देखो इतनी खूबसूरत स्टैम्प बन के आती है, हाँ। इसके तो लोग 500-600-600 रुपए एक एक स्टैम्प के मांग लेते हैं, ये सही है यार, बहुत बढ़िया।
इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हुई हैं यहाँ पे, जिसका भी जैसा भी आपको चाहिए ना, आपके एरिया में जैसी भी चलती होंगी स्टैम्प्स, वो सारा आप इनसे पूछ लेना। सर इसका कुछ कैटलॉग वगैरह बना रखा है कि भाई? वो भी पूरा है, एक ये मैं एक और यूनिक प्रोडक्ट है, ये आपको देखने में पता ही लगेगा ये क्या चीज़ है। हाँ। वैसे तो ये आपको नॉर्मल पेन लगेगा, बेसिकली ये पेन स्टैम्प है, आगे आप इसमें साइन और सिग्नेचर करना चाहो वो भी कर सकते हो। हाँ। और ये पीछे आपके यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा, ये भी स्टैम्प है आपकी। बहुत बढ़िया, क्लासिक एकदम फैंसी। हाँ जी, जबरदस्त स्टैम्प। ये ऐसी चीजें मैं देखता हूँ, मार्जिन भी अच्छा देती है ये। जितनी ज्यादा फैंसी आइटम होगी उतनी ज्यादा वो, क्योंकि फैंसी मार्जिन देके इन चीजों का ना, इन चीजों का क्या होता है कि मार्केट में रेट ओपन है, उन चीजों में आप अच्छा मार्जिन भी कमा सकते हो। ये एक ऐसी आइटम है, छोटी सी किसी बंदे को काम शुरू करना है, प्रोप्राइटर स्टैम्प है तो उसको चाहिए, कोई बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे स्टैम्प चाहिए। बैंक में इसका इतना काम आता है, लोग 10 से 15 तो एक एक बैंक में मोड़ जाती है, तो अगर आपका बैंक से टाइप है और कुछ है तो आप काम करते करते थक जाओगे। उसके बाद एडवोकेट्स हैं, सीए हैं। हाँ जी। और ये काम है कैसा है, कोई जैसे बहुत ज्यादा बड़ी मशीन नहीं है, छोटी सी मशीन है। हाँ, एक तो टेबल पे भी, एक टेबल के ऊपर है, तो लोग मेन काम तो इसको कर ही सकते हैं। जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम है, हाँ, जैसे किसी के पास ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, हाँ, वो लगी हुई है, तो उनके साथ ये वो स्टैम्प मेकिंग का काम साथ में आता है। और उसके अलावा कोई स्टेशनरी वाला करना चाहे, कोई सीएससी सेंटर आपने देखा होगा जो डिजिटल सेवा केंद्र, छोटे छोटे गाँव में आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने वाले थोड़ी थोड़ी दूरी में होते हैं, वो ये सारे काम कर सकते हैं। कोई स्पाइरल बाइंडिंग फोटोकॉपी करता है, वो ये सारे काम कर सकते हैं। हाँ। मतलब जो मेन काम की तरह लेना चाहे तो इसको वो तो ले ही सकते हैं, लेकिन आजकल लोग काम दूसरा भी ढूंढ लेते हैं, तो ये एक साइड इनकम भी बन जाता है, साइड इनकम भी बन सकता है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है ना सर, कि जो ट्रिकी जो चीज है, मतलब एक चीज सिर्फ आपने क्या ढूंढना है, एक ऐसा क्राउडेड एरिया, बस एक वही चाहिए ना सर, थोड़ा सा एक क्राउडेड एरिया हो, आप बहुत बढ़िया इनकम इसमें कर सकते हो। एक ही में मुझे लगता है कि दिन भर में आप 50 पीस भी बनाओगे ना, तो जब भी आप कम से कम 5,000 से लेकर के डिपेंड कम से कम मार्जिन पर करोगे तो 5,000, और ठीक ठाक सा आपको कस्टमर मिल जाते हैं तो भाई 10,000 रुपए तक का भी डेली प्रॉफिट आप अर्निंग इसमें कर सकते हो। तो सर कुछ चीजें और रह गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ये अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स हैं, जैसे ये पॉकेट स्टैम्प है। हाँ जी। ये पॉकेट स्टैम्प आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, कि आपने यहाँ पे इम्प्रेशन मारा, कोई भी आपने स्टैम्प करी और उसके बाद ये पॉकेट में आ गई आपकी। ओके, ओके। इसके अलावा और भी आपने बैंक में देखी होंगी, ये ऐसे सेल्फ इंक्रिंट स्टैम्प होती हैं। हाँ जी। ये भी सारी टाइप की स्टैम्प्स होती हैं हमारे पास। हाँ जी। और उसके बाद अब जैसे काम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये एक हमने एक गणेश जी की स्टैम्प बना के रखी हुई है। हाँ। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई मल्टी कलर स्टैम्प बनाना चाहो, मल्टी कलर स्टैम्प भी आप इसके अंदर बना सकते हैं इसी सेम मशीन में। सही है सर। और बाकी इसके अलावा सर, जैसे स्टॉक वगैरह पूरा मेंटेन रहता है? हाँ जी, स्टॉक वगैरह वहाँ पर कभी भी कोई भी आ जाए, यहाँ पे आके लेना चाहे तो यहाँ पे आके भी ले सकता है। हाँ। और सबसे मेन बात है, कई लोग कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं हर जगह, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं आ सकता तो उसके घर पे भी कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। जो भी टोकन तो देना पड़ता होगा, जो भी वो मॉडल सेलेक्ट करे वो बताए, वो हमें ऑर्डर दे, बस कुछ छोटा सा टोकन अमाउंट उसने जमा कराना, उसके बाद बाकी सारा उसको कैश ऑन डिलीवरी है। सही है सर। बाकी कुछ और मॉडल्स भी आपके पास, कुछ और मशीन्स? हाँ, मैं वो भी आपको दिखा रहा हूं। अभी तो जैसे हम ये रबर स्टैम्प वाली मशीन की बात कर रहे थे, ये भी होती है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी हैं सारी स्टैम्प मेकिंग मशीन की रेंज है हमारे पास। सही है, बहुत बढ़िया है सर। मेन बात मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और कम पढ़े लिखों के लिए या पढ़े लिखों के लिए जैसे मर्जी भी यार, सबके लिए बढ़िया लाजवाब एक नंबर का बिजनेस है ये। पूंजी देखो ना आप कितनी लगती है यार, 10-11 हज़ार रुपये में आपको मशीन मिल रही है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो इससे बढ़िया वीडियो ये सब बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। तो पार्थ भाई की जो टीम का नंबर है ना, कस्टमर केयर टीम का नंबर, वो स्क्रीन पर आपको मिल ही जाएगा, आप एक बार आइएगा दिल्ली की, जब यहाँ पे आओगे तो कुछ ना कुछ स्पेशल आइटम आपको खिलाएंगे हमें, तो आप आना एक बार सर के पास में, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी डिलीवरी के साथ में अच्छी क्वालिटी की मशीन्स आपको मिल जाएंगी, ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है जी पार्थ भाई, आपकी इजाजत है। ओके।